Hello children, today we are going to continue reading chapter 10 of your science book, that is the solar system. In the previous video itself, I have started teaching you this chapter, and in the previous video I have taught you about the sun. Along with that, I have taught you about Mercury, Venus and Earth. And in today's video here, I am going to teach you further about the remaining planets. तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो बाकी प्लैनेट्स उसके बारे में, और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सन के बारे में, और हमने वहाँ पे जाना कि सन क्या है. तो हमने पढ़ा कि सन एक ह्यूज बॉल है हॉट गैसेस का, और हमने वहाँ पे देखा कि ना ये रोटेट करता है ना ये रिवॉल्व करता है, वो फिक्स होता है अपने पोजिशन में जो कि वो सेंटर में स्थित है सोलर सिस्टम के. आगे हमने पढ़ा कि सन हीट और लाइट देता है, और इसी वजह से लाइफ मुमकिन है अर्थ में. ऐसे करके आगे हमने पढ़ा कि इसका जो टेम्परेचर है जो सतह पे वो लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस थे. और हमने वहाँ पे पढ़ा कि फैक्चुअल स्टडी में कि ये जो सन है, सन के जो थिन आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं कोरोना, और इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम कहते हैं कोर. आगे हमने मर्करी के बारे में पढ़ा कि मर्करी क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन से, और आगे हमने देखा कि ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है और ये सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट है. और हमने पढ़ा कि इसका जो नाम है वो रोमन मैसेंजर ऑफ गॉड्स के ऊपर उसका नाम रखा गया है. आगे हमने पढ़ा वेनस के बारे में, और जाना कि वेनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं. और हमने पढ़ा कि सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है स्काई में मून के बाद. और हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये हॉटेस्ट प्लैनेट है और ये किसके बीच में स्थित है, तो मर्करी और अर्थ के बीच में वो स्थित है. और हमने यानी कि मैंने तुम्हें पहले से बता रखा है इसको हम हॉटेस्ट प्लैनेट है क्यों है करके. और वहाँ पे मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था फिर से, और वो जो आंसर है मैंने पहले से वीडियो में बता रखा था, लेकिन फिर से मैं आज एक बार फिर से बता दूँ. यहाँ पे याद रखो कि जो वेनस है, वेनस का जो एटमोसफियर है, एटमोसफियर कहने पर जो लेयर ऑफ एयर है जो उस प्लैनेट को घेरता है, तो जो उसका एटमोसफियर है वो ठीक है. तो थिक एटमोसफियर होने की वजह से वहाँ पे जो सन का जो हीट है वो अंदर पे ट्रैप होके रह जाता है, यानी कि फंस के अंदर पे रह जाता है. इसलिए वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई होता है. इसी वजह से जो वेनस है वो क्या है, हॉटेस्ट प्लैनेट है. तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है. तो आगे मैंने अर्थ के बारे में तुम्हें पढ़ा रखा है, और हमने देखा कि अर्थ एकमात्र प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ मुमकिन है, क्योंकि हम लोग जो जीवित प्राणी है कहाँ पे रहते हैं, अर्थ में रहते हैं, हमारा घर है. उसके बाद हमने पढ़ा कि थर्ड प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, डिस्टेंस की बात करेंगे सन से तो. और आगे हमने पढ़ा कि ये जो अर्थ है इसकी इर्द गिर्द उसका एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है, वो उसके इर्द गिर्द परिक्रमा करता है उसके और इर्द गिर्द घूमता है. और आगे हमने पढ़ा कि 70% जो सरफेस है अर्थ का वो कवर्ड है किसी से, तो पानी से, यानी ढका हुआ किसी से, तो पानी से, और इसी वजह से हम इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं. आगे हमने पढ़ा कि ये जो अर्थ है हमारा, इसकी इर्द गिर्द हवा का लेयर है और उसको हम एटमोसफियर कहते हैं, और इस एटमोसफियर के लेयर की वजह से जो हार्मफुल रेज होते हैं सन के वो हम तक नहीं पहुंच पाते. तो ये हमने पहले से पढ़ रखा है. तो आज हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे और प्लैनेट्स के बारे में. तो हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे मार्स के बारे में, और ये जहाँ मैं पढ़ रही हूँ तुम्हें दिख जाएगा पेज नंबर 93 में तुम्हारे साइंस के बुक में. तो आगे बोला गया इट इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट एंड द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन. तो याद रखो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट क्या है, तो मैंने बताया मर्करी. अब सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट क्या है, तो याद रखो मार्स. तो मार्स सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, और बोला गया है फोर्थ प्लैनेट है डिस्टेंस के हिसाब से सन से. तो जब हम सन से दूरी की बात करेंगे तो चौथा नंबर में कौन सा प्लैनेट आएगा, तो मार्स आएगा. द सोयल्स एंड रॉक्स ऑन दिस प्लैनेट गिव इट अ रेड कलर, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट. तो अब आगे यहाँ पे समझाया गया है कि यहाँ पे यानी कि जो मार्स का जो सोयल है और जो रॉक्स है उसकी वजह से ये जो प्लैनेट है उसको अपना लाल रंग मिलता है, और इसी वजह से उस प्लैनेट को यानी कि इस प्लैनेट को मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं. तो याद रखो अगर कभी मैंने पूछा मार्स को रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे बुक में तुम्हें समझाया गया है कि इसके जो रॉक्स है और जो सोयल है ये उसको रेड कलर देता है, इसी वजह से उसको हम रेड प्लैनेट कहते हैं. अब यहाँ पे रेड कलर कैसे आया, तो याद रखो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से इसका रेड कलर है. यहाँ पे याद रखो जो तुमको पता होगा जंग के बारे में, जैसे कि हम कोई लोहा की चीज़ को पानी में रखेंगे यानी मोशन में रखेंगे तो ऐसे में वो चीज़ जंग पकड़ लेता है. तो यहाँ पे याद रखो कि ये जो मार्स है, मार्स में जो सोयल है, रॉक्स है, उसमें हमें देखने को मिलेगा जंग के पार्टिकल्स, यानी कि ये जो रस्ट के पार्टिकल्स, इसी वजह से इसका ये रेड कलर का दिखता है. इसी वजह से ये जो प्लैनेट इसको हम रेड प्लैनेट कहते हैं. तो यहाँ पे तुम आंसर में लिख सकते हो कि वो जो सोयल और रॉक्स है वो रेड कलर के होते हैं मार्स में, इसी वजह से उसको हम रेड प्लैनेट कहते हैं. तो देखने में मार्स रेड कलर का दिखेगा. आगे बोला गया है कि इट हैज़ टू मून्स कॉल्ड फोबोस एंड डीमोस. तो याद रखो इसके कितने मून्स है, तो दो मून्स है. कौन कौन से, तो फोबोस एंड डीमोस. तो मर्करी और वेनस के कोई मून के बारे में हमने नहीं पढ़ा, वहाँ पे कोई मून्स नहीं है. उसके बाद आगे मार्स अर्थ के बारे में हमने पढ़ा कि उसका एक मून है, और आगे हम यहाँ पे मार्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसके दो मून्स है और नाम है फोबोस और डीमोस. अब आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे जुपिटर के बारे में.
इट इज द लार्जेस्ट इन द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन. तो याद रखो जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है और फिफ्थ नंबर का प्लैनेट है डिस्टेंस के हिसाब से सन से. तो दूरी की बात करेंगे सन से तो पांचवें नंबर पे कौन सा प्लैनेट आएगा, जुपिटर आएगा. लेकिन अगर साइज की बात करेंगे तो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो जुपिटर है. सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, तो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले पढ़ा रखा है, मर्करी. और उसके बाद सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो मार्स. अब हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे. इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स ऑफ विच मोर देन 65 हैव बीन आइडेंटिफाइड. तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन से प्लैनेट का, मून से, तो याद रखो जुपिटर का. तो कितने सारे आइडेंटिफाई कर लिए हमने, यानी पहचान लिए, तो बोला गया 65 को हमने पहचान लिया है. तो मोर देन 65 को हमने क्या कर लिया, पहचान लिया है. 65 से भी अधिक को मून्स को हमने जुपिटर के पहचान लिए है. तो यहाँ पे याद रख, सबसे अधिक अगर कभी मैंने पूछा कि कौन से प्लैनेट के मून से, तो याद रखना है आंसर है जुपिटर. अगर मैंने कभी पूछा कौन सा वाला प्लैनेट सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो तब भी आंसर होगा जुपिटर. अब आगे बोला गया है कि जुपिटर इज ऑल्सो द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट एंड कम्प्लीट वन रोटेशन इज जस्ट 10 आवर्स. तो इसके साथ साथ याद रखो जुपिटर क्या है, तो जुपिटर फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट है, सबसे तेजी से घूमने वाला प्लैनेट है, और उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में 10 घंटा लगता है. और हमने पढ़ रखा है हमारे पृथ्वी को कितना लगता है, जो 24 घंटा. तो देखो यहाँ पे अंतर तो देखने को मिल रहा है कि जुपिटर कितने तेजी से स्पिन कर रहा है, कितने तेजी से वो रोटेट कर रहा है. तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है. तो याद रखो जुपिटर सबसे तेजी से घूमने वाला प्लैनेट है, और एक रोटेशन के लिए उसको कितना लगता है, तो 10 घंटा, सिर्फ 10 घंटा. दिस हाई स्पीड क्रिएट्स क्लाउड्स अराउंड इट दैट गिव इट अ स्ट्रैक पैटर्न. तो आगे बताया गया ये जो हाई स्पीड में ये जो घूमता है, इसी वजह से वहाँ पे क्या बनते हैं, तो क्लाउड्स बनते हैं. और ये जो क्लाउड्स है उसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रैक पैटर्न हमें देखने को मिलता है. स्ट्रैक पैटर्न में क्या होता है, हो सकता है हमें एक कलर का, जैसे जो जेब्रा का दिखता है व्हाइट एंड ब्लैक ऐसे टाइप का, लेकिन यहाँ पे तो हमें देखने को मिलेगा स्ट्रैक पैटर्न हमें देखने को मिलेगा. यहाँ जुपिटर का पिक्चर देख लो, वहाँ पे व्हाइट ब्राउन करके तुम्हें देखने को मिलेगा. अब आगे यहाँ पे बताया गया है कि इट इज़ द थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर मून एंड वेनस. तो याद रखो मून एंड वेनस के बाद तीसरे नंबर पे जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है स्काई में, वो जो हमें देखने को मिलता है, वो है तुम्हारा जुपिटर. द जुपिटर कैन बी सीन विद द नेकेट आई. तो यहाँ पे आगे ये भी बताया गया है कि जुपिटर को हम नेकेट आई की मदद से देख सकते हैं. नेकेट आई कहने का मतलब है कि हमें वहाँ पे कोई उपकरण का प्रयोग करना की जरूरत नहीं पड़ेगा जुपिटर को देखने के लिए, कि हम अपनी आँखों की मदद से भी देख सकेंगे इसको. तो जुपिटर तो जुपिटर को हम कैसे देख सकते हैं, नेकेट आई की मदद से देख सकते हैं, यानी कि वहाँ पर टेलीस्कोप के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. आगे यहाँ पे बोला है सैटर्न के बारे में. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर. तो याद रखो ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है किसके बाद, जुपिटर के बाद, एंड सिक्स प्लैनेट फ्रॉम द सन. तो अगर डिस्टेंस की बात करेंगे, दूरी की बात करेंगे सन से, तो ये कौन से नंबर में आएगा, सिक्स प्लैनेट है. इट इज़ नोन एज द रिंग प्लैनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिंग्स अराउंड इट. आगे याद रखना है इसको, यानी कि जो सैटर्न है इसको हम रिंग प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि इसके इर्द गिर्द क्या है, रिंग्स है. तो किस कौन से प्लैनेट की इर्द गिर्द रिंग्स है, तो याद रखो सैटर्न की इर्द गिर्द, इसी वजह से उसको हम क्या कहते हैं, रिंग्ड प्लैनेट. तो कभी मैंने पूछा कौन से प्लैनेट को रिंग्ड प्लैनेट कहते हैं, तो याद रखो सैटर्न को हम रिंग प्लैनेट कहते हैं. या फिर अगर मैंने कभी पूछा सैटर्न का दूसरा नाम बताओ, तो तुम्हें याद रखना है उसका दूसरा नाम है रिंग्ड प्लैनेट. आगे बोला गया है कि इट इज़ नोन एज अ रिंग प्लैनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिंग्स अराउंड इट. 62 मून्स रिवॉल्व अराउंड सैटर्न. तो या तो कितने सारे मून्स इसके इर्द गिर्द घूमते, तो 62, कितने सारे, 62. तो ये भी बहुत बड़ा संख्या हुआ. इट इज अ कोल्ड प्लैनेट एंड इट्स सर्फेस टेम्परेचर इज अबाउट -130°C. तो यहाँ पे बोला गया है कि एक ठंडा प्लैनेट है, और यहाँ पे जो सतह में जो टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है वो है लगभग अबाउट बोला गया, तो लगभग -130°C. तो ये बहुत ही ठंडा प्लैनेट हुआ. आगे बोला गया फैक्टर स्टडी में, तुम देख सकते हो साइड में, द रिंग सिस्टम विच सराउंड सैटर्न वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो गैलीली इन द ईयर 1610. तो बोला गया कि सबसे पहले ये जो रिंग्स है सैटर्न के, किसने ढूंढ निकाला था, तो बोला कि गैलीलियो गैलीली, जिसने इन्वेंट किया था टेलीस्कोप का. टेलीस्कोप से हम क्या कर सकते, दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते. तो ये जो टेलीस्कोप का जो इन्वेंटर है, उसने सबसे पहले इसका रिंग्स को क्या किया था, ढूंढा था एंड डिस्कवर किया था. कौन से साल में, तो बोला 1610 में. अब आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूरेनस के बारे में. तो तुम वहाँ पे देख सकते हो यूरेनस के बारे में बोला गया, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम एंड द सेवन प्लैनेट फ्रॉम द सन. तो याद रखो ये थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, और अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो सातवें नंबर में आएगा सन से. यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट वेयर सर्फेस टेम्परेचर मे ड्रॉप टू -22°C लिखा है. यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे बुक में लिखा है -22°C, यहाँ पे होना चाहिए -224°C होना चाहिए. क्या होना चाहिए, -224. अब देखो यहाँ पे 4 तुम्हें लगाना होगा 22 के बाद, क्या लगाना होगा, 4 ऐड करो. तो यहाँ पे बताया गया है कि
यूरेनस क्या है? सबसे ठंडा प्लैनेट है, हमने पहले से पढ़ रखा है 100 कितना डिग्री सेल्सियस, तो -130 डिग्री सेल्सियस तो हमने किस में पढ़ा, सैटर्न में ही पढ़ रखा है, तो -130 डिग्री सेल्सियस अबाउट -130 डिग्री सेल्सियस तो हमने ये सैटर्न में ही पढ़ रखा है। तो अब यहाँ पे हम किसकी बात करें, तो हम यूरेनस की बात करें तो यूरेनस का टेम्परेचर और ठंडा है कि हम कोल्डेस्ट वर्ल्ड है, तो ऐसे में -22 नहीं -224 डिग्री सेल्सियस होगा। तो वहाँ पे 2 के पीछे क्या लगा हुआ, 2 के पीछे क्या लगा, 22 के पीछे क्या लगा हुआ, तो 4 लगा हुआ, भूलना मत 22 के पीछे क्या लिख लेना, पीछे 4 लिख लेना, तो वहाँ पे छूट गया। तो बोला कि यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, तो या तो यूरेनस सबसे ठंडा प्लैनेट है, वेयर सर्फेस टेम्परेचर यानी कि जो सतह पे जो टेम्परेचर है तापमान गिरता है कितने तक, तो बोला -224 डिग्री सेल्सियस तक। और आगे बोला गया इट इज पेल ब्लू इन कलर, तो वहाँ पे साइड में तो मैं दिख जाएगा इसका कलर भी पेल फीका सा, पेल मतलब फीका फीका ब्लू कलर का ये है। एंड वॉज द फर्स्ट प्लैनेट दैट वॉज डिस्कवर्ड यूजिंग अ टेलीस्कोप, और ये पहला वो प्लैनेट है जिसको क्या किया था, डिस्कवर किया था किसकी मदद से, तो टेलीस्कोप की मदद से, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया गैलीलियो गैलीली ने इन्वेंट किया। आगे यहाँ पे नेपच्यून के बारे में बताया गया, इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट एंड द फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो याद रखो फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो नेपच्यून है, और ये सबसे दूर है किससे, तो सन से। अगर मैंने कभी पूछा फार्थेस्ट प्लैनेट ये सबसे दूर कौन सा प्लैनेट स्थित है सन से, तो याद रखो नेपच्यून। इट हैज 14 मून्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, अब यहाँ पे याद रखो कितने सारे मून्स है जो इसके इर्द गिर्द घूमता है, तो बोला गया 14 मून्स इसके इर्द गिर्द घूमता है। नेपच्यून इज अ वेरी कोल्ड प्लैनेट एंड इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, आगे बोला गया ये बहुत ही ठंडा प्लैनेट है और तुम्हें नेकेड आई से तुम देख नहीं सकोगे, इसको देखना है तो तुम्हें टेलीस्कोप का प्रयोग करना ही होगा। इट हैज द फास्टेस्ट ब्लोइंग विंड्स एंड हरिकेन्स इन द सोलर सिस्टम, आगे यहाँ पे याद रखो यहाँ पे यानी कि जो नेपच्यून है वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा सबसे तेजी से बहने वाले हवाएं, और वहाँ पे हमें हरिकेन्स यानी कि तूफान देखने को मिलेगा सोलर सिस्टम में, तो वहाँ पे याद रखो फास्टेस्ट ब्लोइंग विंड्स हरिकेन्स हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो याद रखना है नेपच्यून में। तो नेपच्यून में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो बोला गया कि सबसे तेजी से बहने वाले हवा और तूफान हमें वहीं पे देखने को मिलेगा, तो सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है, तो याद रखो नेपच्यून है। तो आज हम यहीं पर यहीं तक पढ़ेंगे, ये जो चैप्टर है इसको हम फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने यहाँ पे किस बारे में पढ़ा, तो हमने यहाँ पे मार्स के बारे में पढ़ा, जुपिटर के बारे में, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में पढ़ा, तो हमने पिछले क्लास में 3 प्लैनेट्स के बारे में तो पढ़ लिए थे, तो बाकी के जो प्लैनेट्स हैं आज हमने यहाँ पे पढ़ लिए, और हमने यहाँ पे जाना कि मार्स को हम क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं, ऐसे करके जुपिटर के बारे में जाना कि जुपिटर क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। सैटर्न के बारे में भी हमने जाना कि सैटर्न के इर्द गिर्द क्या है, तो रिंग्स है और हम उसको रिंग प्लैनेट कहते हैं। ऐसे करके हमने यूरेनस के बारे में पढ़ा कि वो थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है, और हमने यहाँ पे जाना कि यूरेनस क्या है, तो ओल्डेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। और नेपच्यून के बारे में हमने जान रखा कि ये क्या है, फार्थेस्ट प्लैनेट है, फार्थेस्ट मतलब सबसे दूर है किससे, तो सन से। तो ये बात मैंने तुम्हें आज यहाँ पे पढ़ाया, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, विल कंटिन्यू रीडिंग दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। और मैं यहाँ पे तुम्हें एक बार फिर से याद दिला दूँ कि मैंने तुम्हें बोला है कि ये जो एयर वाटर वेदर जो चैप्टर है चैप्टर 9 उसके जो सॉरी आंसर से उसको याद करना शुरू करो, उसके सारे एक्सरसाइजेस को याद करना शुरू कर लो, क्योंकि मैं कोई दिन तुम्हारा टेस्ट लूँगी, मैं आज फिर से तुम्हें ये रिमाइंड कर रही हूँ, और ये जो टेस्ट होगा मैं तुम्हें पहले से इन्फॉर्म कर दूँगी कौन से दिन होगा और कितने समय में होगा और तुम्हें कब ऑनलाइन आना पड़ेगा, तो इस बारे में मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम वो चैप्टर को पढ़ना मत छोड़ो, तो इसको पढ़ो, और आज तुम इसके होमवर्क के रूप में यहाँ पे जो चैप्टर है इसमें जो भी तुम्हें हार्ड वर्ड्स लगे उसको तुम अंडरलाइन करो और तुम उनकी स्पेलिंग्स को याद करने की कोशिश करो। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप योर टुडे चिल्ड्रेन, थैंक यू।